तो अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक हमने फोल्डर में अपने हॉरिजॉन के नाम से फोल्डर बनाया था और उसमें एक वेब पेज बनाया था होम के नाम का, जिसके अंदर हमने सीखा था किस तरह से हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग टू बनाते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ के एलिमेंट को कैसे यूज करते हैं, उसको सेंटर अलाइन कैसे करते हैं, उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, उसको राइट अलाइन कैसे करते हैं। आज थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि इमेजेस कैसे ऐड कराते हैं और मजीद फॉर्मेट इसके अंदर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। याद हो जैसे हमने एक सीवी बनाई थी, तो पहले हमने टेक्स्ट लिख लिया था, फिर उसके अंदर टाइटल, बोल्ड, इटैलिक और कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो आज इसको मजीद आगे फॉर्मेट देना सीखते हैं। तो वेबसाइट बनाने का अमल जो होता है, एक बाकायदा एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस होता है, एकदम वेबसाइट नहीं बनती। उसके लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस टाइम टू टाइम उसमें अप्लाई करते रहे पड़ते हैं और वक्त टू वक्त टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करना पड़ता है। तो अभी आज देखें थोड़ा सा उसको अपडेट करेंगे तो ये पहले से अच्छे लुक में आ जाएगा। तो इसके लिए हम खोलेंगे अपना, यहाँ पे ब्राउजर पे तो हमने इसको खोल ही लिया है, अब हम यहाँ से खोलेंगे अपना एक वही प्रोग्राम जिसका नाम है कोड एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड। और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड खोलेंगे, फाइल में जाके यहाँ से क्लोज फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पहले वाला जो फोल्डर खुले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे। देन फाइल में जाके हम यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और अपना वो फोल्डर जिस पे हमें इसको अप्लाई करना है उस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप थोड़ी सी चेयर सेट कर लें बस आप। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आके हमने अपने फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पे जाके मैंने कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट्स में वेब के फोल्डर में चले जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद अरमान एंड बिलाल हॉरिजॉन जिसमें ये बना हुआ है, जो कल गिर गए थे, जिसको इमरान काट रहा था आज दोपहर तक, वही हमने रख रखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये हमारे उस होम पेज का पूरा सोर्स कोड आ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, SOURCE, सोर्स कोड। सोर्स कोड है ये हमारा, और ये सोर्स कोड हमारे सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें कल हमने देखा था कि पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे लिया था, उसके बाद बॉडी के कलर का, बीजी कलर का एट्रीब्यूट। देखें ये टैग है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये टैग है, ये टैग है, ये स्टार्ट है, ये क्लोज है, ये स्टार्ट है, ये क्लोज है, ये स्टार्ट है, ये क्लोज है, ये स्टार्ट है, इसका क्लोज नीचे होगा, ये पैराग्राफ टैग है, ये इसके साथ जो लिख रहे हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जो टैग की जो फंक्शनलिटी है उसको मजीद इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, यानी कि ये हमारी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करना है। किसी भी वर्ड को, लेटर को, या पूरी लाइन को अंडरलाइन कैसे करेंगे, एक यू का एलिमेंट हम यूज करेंगे और वो एक अपना टैग स्टार्ट करेगा और क्लोज लगाएंगे और जो लाइन है उसके अंदर उठा के रख देंगे। अब जो भी टेक्स्ट के बीच में रखेंगे वो अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाएगा इस तरीके से। सही है, समझ में आ गई बात ये। सिमिलरली अगर हमें इसको मजीद बड़ा करना है, तो कल मैंने आपको बताया था बिग का एलिमेंट आप यहाँ लगा दें और बिग के एलिमेंट के बीच में इसको इस तरीके से डाल दें। आप ये देखिए पहले से और साइज अपना इंक्रीज कर लेगा। फर्दर आपको करना है तो एक दफा और बिग के एलिमेंट को यूज कर लें और उसके बाद इसको एक दफा फिर से क्लोज कर दें यहाँ पे जाके, ये देखिए इस तरीके से, तो ये और मजीद बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे स्मॉल का एलिमेंट किसी चीज को मजीद छोटा करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मोर देन वन टाइम। ओके, तो ये हो गया इस तरीके से। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक सेपरेटर भी यूज करना चाहता हूँ जो इस पेज को थोड़ा यहाँ से सेपरेट करे। सेपरेटर के लिए मैं एक और टैग यूज करूंगा। अच्छा देखिए, मुझे अगर ये जानना हो ये कहाँ क्लोज हो रहा है, तो मैं इस पर क्लोज क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली ये नीचे पॉइंट कर लेगा उसका क्लोजिंग पॉइंट को। क्लिक करके मैं इसके नीचे आ गया। अब ये वो एरिया है जो इसके और बीच के दरमियान में है खाली। यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट लिख रहा हूँ, HR, हॉरिजॉन्टल रो। ये जो एलिमेंट है ये क्लोज नहीं होता, ये डायरेक्ट लिखा जाता है। ऐसे एलिमेंट जो क्लोज नहीं होते उनको ऐसे भी लिखते हैं, और बाज़ूकात जो उसकी सही नोटेशन है ग्रामर में उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये देखिए एक लाइन ड्रॉ करेगा पेज को सेपरेट करने के लिए, एक बार लिखेंगे एक दफा ड्रॉ करेगा। इसी चीज को अगर आप आगे लेके चलें तो इसमें तीन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कलर का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जो कलर बताने के लिए, विड्थ का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और साइज का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको तीनों का देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है HR की, वो पूरे पेज की लिमिट पर होती है। जितना बड़ा पेज आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, ये सेपरेटर लाइन उसको पूरे पे नजर आएगी। इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। साइज थिन होती है लाइन, अगर आप उसको थिक करना चाहें तो कितनी थिक करनी है पिक्सल्स में आप उसको बता सकते हैं, उतनी थिक ये लाइन हो जाएगी। फर्दर मोर करना है तो आप इसके अंदर 20 पिक्सल कर दें और उसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे। कलर इसके अंदर कौन सा भरना है, सपोज तो गोल्ड कलर भरना है तो गोल्ड लिख दें इसके अंदर, तो ये गोल्ड कलर इसके अंदर भर जाएगा। रेड लिखेंगे, ब्लू लिखेंगे, वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेपरेटर लाइन आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप फर्दर इसके अंदर सेपरेटर लाइन और बनाना चाहें तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करते चले जाएं, तो ये तीन लाइन इस तरह से क्रिएट कर देगा।
सेपरेटर लाइन क्रिएट करने के बाद इनके कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से ये कलर चेंज करके कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर फर्दर अगर हम इसका कलर और यहाँ पे चेंज करना चाहें तो ये इस तरह से नजर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी विड्थ कम ज्यादा करना चाहें तो हमारे अख्तियार में है। लेट सपोज इसकी विड्थ तो पूरी रहने देते हैं, इससे नीचे वाली विड्थ को हम 80% कर देते हैं तो ये वेब पेज के 80% पे आएगा, और उससे कम वाली विड्थ को हम इसका 60% कर देते हैं तो वो उससे ओवरऑल पेज के 60% पे नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटर के तौर पे भी और वैसे भी। और फर्दर अगर हम इसको पिक्सल में कम करना चाहें तो पिक्सल में कम कर सकते हैं, इसको 800 पिक्स पे पास कर दें 880 पिक्सल्स, तो ये देखें 880 पिक्सल्स पे इस तरह से पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 660 पिक्सल्स पे पास कर दूं तो ये फिर कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और अगर 440 पिक्सल पे पास कर दूं तो ये देखें इस तरह का डिजाइन भी आप इस पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सेपरेटर लाइन इस तरह से यूज की जा सकती है अपने पेज को सेपरेट करने के लिए, और जितनी बार लिखेंगे उतनी बार वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर हमें किसी पैराग्राफ में या कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो किस तरह से करेंगे, आई से इटैलिक, ठीक है। तो अगर हम, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पैराग्राफ जो है इटैलिक हो जाए या फिर ये लास्ट वाला पैराग्राफ मेरा इटैलिक नजर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ में जहाँ पर जिस टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है उससे पहले आई का एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आई का एलिमेंट यूज करूंगा तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट में स्टार्ट करके क्लोजिंग पॉइंट को मैं उसके बाद क्लोज कर दूंगा। देखें यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर से मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा पैराग्राफ इटैलिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई वर्ड इटैलिक करना है, लेट्स सपोज इसका बीच का ये वाला एक यहाँ पे कोई वर्ड ऐड करते हैं पहला पैराग्राफ में, तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ पर हम आएंगे और यहाँ पे कोई वर्ड ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं मिस्टर राशिद अली, और इस राशिद अली वर्ड को मुझे इटैलिक करना है, तो भले आप यहाँ पर एंटर दे दें इससे आपके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे स्पेस चाह रहे हैं और यही इसकी खूबसूरती है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इससे पहले आई का वर्ड यूज करेंगे और आई को उसके बाद क्लोज कर देंगे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करके या रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये इटैलिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो बी का एलिमेंट यूज करेंगे और क्लोजिंग पॉइंट इसके बाद कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। अगर सिमिलरली अगर मैं इसके साथ अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो अंडरलाइन स्टार्ट करेंगे और अंडरलाइन को यहाँ पे पैस कर देंगे इसके बाद तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी सेगमेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा भी करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे बिग का एलिमेंट यूज करूंगा और इसको क्लोजिंग पॉइंट इसके बाद रखूंगा तो ये देखिए ये इससे थोड़ा सा बड़ा भी नजर आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ऐसे आप हर एक वर्ड को लेटर को कैरेक्टर को पैराग्राफ को ऐसे यूज कर सकते हैं, बस ख्याल करना है जहां से स्टार्ट करना है और कहां पे उसको क्लोज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेहतर फॉर्मेट उसका बना सकते हैं। सेकेंडली अगर हमें इसके अंदर अपने वेब पेज में थोड़ा और अट्रैक्शन ऐड करने के लिए पिक्चर्स ऐड करानी पड़ जाए तो कैसे करेंगे? पहले वो पिक्चर्स अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। जब आप पिक्चर्स में कंप्यूटर डाउनलोड कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में जाइए, वो पिक्चर्स कहाँ से हैं। लेट्स सपोज मैंने वो पिक्चर्स यहाँ पे लेटेस्ट के फोल्डर में रखी हुई हैं और उसमें से एक पिक्चर मैंने ये पिक कर ली और दूसरी पिक्चर मैंने जो है ये ऐड कर ली और तीसरी पिक्चर मैंने ये ऐड कर ली, ये ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, नहीं ये हटा लेते हैं, ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इन पिक्चर्स को। और कॉपी करने के बाद मैं इसको कहाँ रखूंगा ले जाके, अपने फोल्डर के अंदर जो मैंने वेब पेज सेव किया। तो मैं यहाँ से क्लिक किया, ओरिजिन में गया, डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकता हूँ लेकिन बेहतर यह है कि मैं एक फोल्डर बनाऊँ उसके अंदर जिसका नाम मैं रखूंगा इमेजेस, और उसके अंदर जाके मैं पिक्चर्स को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। देन उन पिक्चर्स को मैं रीनेम करूंगा, F2 दबाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा IMG01, सेकेंड वन का नाम मैं रखूंगा IMG02, थर्ड वन का मैं नाम रखूंगा IMG03। तो ये तीनों पिक्चर्स के नाम मैं सीक्वेंस में रख लूंगा और इस तरह मुझे आगे भी नाम को ऐसे सीक्वेंस में रखना है ताकि आगे अप्लाई करने में आसानी हो। उल्टे सीधे नाम होते हैं तो लिखने में मुश्किल होती है। अब इन पिक्चर्स की टाइप क्या है, पिक्चर्स की टाइप जानने के लिए मैं इनके आइकॉन्स को लार्ज कर देता हूँ, पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं आपको, टाइप अभी जाहिर हो रही है .jpg, .jpg, .jpg। समहाउ अगर आपके कंप्यूटर में टाइप जाहिर ना हो तो आप व्यू के टैब में जाएंगे और आपका यहाँ देखेंगे चेक नहीं लगा हुआ होगा फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पे। तो फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पर जब चेक नहीं है तो आप उस पर चेक हटाएंगे तो देखें अब सिर्फ फाइल का नाम नजर आ जाएगा, उसकी टाइप नजर नहीं आ रही। तो सिमिलरली इस पर चेक लगा दें तो आपको टाइप भी नजर आ जाएगी, ठीक है। देखने का तरीका ये। अब आइए इस वेब पेज पे कैसे लगाना है, डिसाइड करना है किस एरिया पे लगाना है। हमें अपने वेब पेज पे ये पिक्चर इस नाम के और इसके नीचे लगानी है, तो इसके कोड के बाद ये देखें बॉडी का टैग, H1 का टैग, ये नाम आ गया, नाम के बाद ये क्लोज हो गया यहाँ पे, फिर ये HR के टैग आ गए और ये इसके बाद H2 से पहले और HR के बाद, ये हमारे पेज यहाँ पिक्चर लगानी है। तो इसका जो टैग है पिक्चर लगाने का
वो है आईएमजी। जैसे ही आईएमजी का टैग लगाएंगे, टैग आईएमजी है, एसआरसी सोर्स इसका एट्रीब्यूट है, ऑल्टर टेक्स्ट इस पे हम लिख सकते हैं। सोर्स पे जैसे जाके आप क्लिक करेंगे आईएम, तो इमेजेस का फोल्डर बना हुआ नजर आएगा आपको। ये फोल्डर अगर नहीं बना हुआ आ रहा तो आपने टाइप करना है, क्लिक करेंगे फिर उसके अंदर क्या है इमेजेस दिखाएगा, अगर नहीं आ रही तो उसके टाइप करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे टाइप करेंगे आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे पेज के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से आपका ये मामला यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। सही है। अब अगर पिक्चर आपके पेज पर आई गई है तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए मजीद एट्रीब्यूट को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से विड्थ के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, यहाँ से हाइट के एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली विड्थ के एट्रीब्यूट को हम परसेंट और पिक्सल दोनों में यूज कर सकते हैं। मिसाल के हम चाहते हैं ये वेब पेज के 25% पे नजर आए तो ये 25% पे ऐसे नजर आएगा, और अगर मैं चाहता हूँ ये वेब पेज के पूरे 100% पे नजर आए, मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन हो उसका पूरा 100% कवर करे, तो ये पूरे पिक्चर इस तरह से हमें नजर आएगी। सही, समझ में आ रही है बात। सिमिलरली अगर मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी टैग को, मतलब दोबारा भी लिख सकता हूँ, टैग करता हूँ, और मैं अब इसको टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे ले जाके कोई पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, और उसमें मैं यहाँ क्लिक करके इस पिक्चर को यहाँ से दोबारा से आईएमजी इमेजेस के फोल्डर में जाऊँ, पिक्चर नंबर 2 लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी विड्थ को 100% के बजाय 25% ऑफ वेब पेज पर लगाना चाह रहा हूँ, और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ देखेंगे दूसरी पिक्चर यहाँ बीच में आ गई। अब इसकी अलाइन को मैं अगर राइट कर देता हूँ, ए अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, ALIGN अलाइन, और इस पर मैं राइट की वैल्यू पास कर देता हूँ, ये टेक्स्ट के साथ कोलैब कर लेगा और टेक्स्ट इसके आगे पीछे आ जाएगा और ये पिक्चर इस तरीके से नजर आएगी। सही, समझ में आ रही है मेरी बात। इस तरह जितने पिक्चर चाहें आप टेक्स्ट के साथ उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मजीद छोटा करना है तो 25% आ रहा है तो मैं इसको 15% कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, तो टेक्स्ट उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। साथ में मैं इसके ऊपर कोई बॉर्डर भी लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके साथ एक बॉर्डर का और एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा, जिसमें मैं 10 पिक्सल का या 2 पिक्सल का 4 पिक्सल का एक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ, जिससे ये पिक्चर मुझे पहले से बेहतर नजर आएगी। ठीक है, फाइनली अगर एंड में भी मुझे कोई पिक्चर लगानी है तो उसी कमांड और उसी टैग को मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इस पिक्चर का जो रेफरेंस है वो सही तरह डाल दूंगा। आई इमेज के फोल्डर में जाओ और यहाँ से 3 ले लो और उसका मैं जो 80% है वो वेब पेज का कंज्यूम कर लो और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखें इस तरह से नजर आएगा। इसको सेंटर करने के लिए अगर आप अलाइन के एट्रीब्यूट को यहाँ यूज करते हैं अलाइन, और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं सपोज टू बी ALIGN अलाइन इक्वल टू डबल कोटेशन सेंटर लिखते हैं, देखें अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है सेंटर में आती है, नहीं आ रही बाई डिफॉल्ट लेफ्ट पर है, तो कोई बात नहीं आप अलाइन का एट्रीब्यूट यहाँ ना यूज करें, बल्कि इससे पहले यहाँ यूज कर लें सेंटर का एलिमेंट और सेंटर को उठा के इसके बीच में सेंटर को डाल दें और रिफ्रेश कर दें, तो ये देखें पेज के सेंटर में इस तरह से आ जाएगी। सही है, समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट में बेहतर रिलेवेंट जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट पे आप पिक्चर लगा सकते हैं। फाइनली ये कॉपीराइट आ रहा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं NAH कॉपीराइट और पैराग्राफ के साथ हम यहाँ अलाइन यूज कर लेते हैं। अलाइन यूज करके इसको हम राइट साइड पे कर देते हैं, राइट साइड पे करके यहाँ पे इसको कर देते हैं बी का टैग यूज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर बी के साथ IV यूज कर लेते हैं। IV यूज कर लिया, इसको उठा के यहाँ से इसके बीच में डाल दिया और यहाँ पर एक स्मॉल का एलिमेंट और यूज कर लेते हैं, जिसके बाद इसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और रिफ्रेश करके यहाँ पे करेंगे तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाना है तो आप क्या करें, ये पैराग्राफ है ना, इससे पहले एक HR यूज कर लें और एक इसके बाद पैराग्राफ के HR यूज कर लें, तो ये देखिए आपको ये जो टेक्स्ट के साथ जो लाइन्स हैं वो थोड़ा इस तरह से नजर आने लग जाएंगी। अगर लाइन्स को कंडेंस करना है तो HR को पैराग्राफ के अंदर डाल दें, बिल्कुल इसके साथ कर दें यहाँ पे, और यहाँ वाले पैराग्राफ को भी उसके साथ करने के बजाय इसके बाद यहाँ लिख दें, तो ये देखें इस तरह से नजर आएगा। लेकिन फिर ये इस साइड पर चला गया तो इसको पहले करना पड़ेगा इससे और बाद में, तो ठीक है। अच्छा, वो भी फिर पैराग्राफ का अलाइन टैग इसको राइट नहीं कर पाएगा, तो उसको बाहर रखेंगे तो अलाइन राइट करेगा, फिर ढूंढना नहीं कर पा रहा इसको ये। बहरहाल ये तो चीज़ें आपके इख्तियार में, जैसे चाहें आप उसको कर सकते हैं, बाहर रखें या इन रखें वो तो आपकी मर्जी है, तो ये ऐसे नज़र आएगा। बाहर रख देते हैं इसको, चलो यहाँ पे चलाइए इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉपीराइट का सैम्पल बन जाएगा। तो देखिए हमारा पहला वेब पेज जो बिल्कुल सिंपल सा था, अब वो पहले से कई ज़्यादा एडवांस हो गया और उसमें हम कई पिक्चर्स लगा सकते हैं। एक फ़ोटो इमोशन भरा होता है और उस इमोशन को सही जगह पे टेक्स्ट के साथ जब आप लगाएंगे तो वेबसाइट अट्रैक्टिव बन जाएगी। ठीक है, जब अट्रैक्टिव बन जाएगी तो आपको वेबसाइट अच्छी नज़र आएगी।